अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल मुगल फ्रॉम न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी और आज हाजिर हूँ एक नए ज़बरदस्त वीडियो के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे साथ इस टाइम जो है ATV क्वाड बाइक है। 125 cc में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि भाई स्मॉल साइज़ में ATV क्वाड बाइक के वाले से रिव्यू किया जाए। तो यह है कि हमारे पास जो है अभी ज़्यादा मोस्टली जो स्टॉक है वो अडल्ट साइज़ के लिए 250 cc कैटेगरी में। तो अभी ये मेरे पास एक ATV मौजूद है 125 cc कैटेगरी में, जिसका आज कम्प्लीट रिव्यू करेंगे। क्या क्या स्पेसिफिकेशन वो आपसे डिस्कस करेंगे, वीडियो के एंड में इसकी प्राइस डिस्कस करेंगे। काफी लोग क्वेश्चन करते हैं इसके पार्ट्स और सर्विस के वाले से, तो न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी के प्लेटफॉर्म पे आपको तमाम सर्विस अवेलेबल अंडर वन रूफ। आपको कोई मैकेनिकल सर्विस हो ATV क्वाड बाइक के वाले से, आप हमें जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्पेशली जो रावलपिंडी इस्लामाबाद सराउंडिंग के लोग हैं, जो अपने क्वाड बाइक की रिपेयरिंग के वाले से परेशान है, उनको वर्कशॉप की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। न्यू पार्क ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आपको तमाम सर्विस मिलेगी अंडर वन रूफ। आप कोई भी क्वाड बाइक को उसको रिपेयर करना चाहें, रिस्टोर करना चाहें, उसको सेल करना चाहते हैं, सेल करके कोई और लेना चाहें, तब ये फैसिलिटी न्यू पार्क ट्रेडिंग पे मौजूद है। तो जल्दी से बढ़ते हैं इसके रिव्यू की जानी, वो इसकी डिटेल आपको बताते हैं। तो सबसे पहले भाई इसके स्टार्ट कर लेते हैं फ्रंट लुक से। तो फ्रंट के ऊपर जो है काफ़ी ज़बरदस्त LED लाइट लगी हैं, ऊपर भी यहाँ पे इसके ग्रिल के ऊपर लगी हुई हैं, नीचे भी लाइट्स लगी हैं। ऑन करके भी आपको मैं चेक करा देता हूँ। और लाइट्स की जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ थ्रो है, ऊपर भी एक्स्ट्रा 4 लाइट्स लगी हुई, नीचे भी LED लाइट्स लगी हैं, जिनकी लाइट्स की थ्रो काफ़ी तेज़ है। दूसरा, ये मॉडल्स के अंदर ये बेनिफिट्स ये होता है कि फ्रंट के ऊपर भी काफ़ी ज़बरदस्त जो है ग्रिल लगी हुई है प्रोटेक्शन के लिए, और रियर के ऊपर भी इसके ग्रिल लगी हुई है। फ्रंट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी फ्रंट के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो इसकी सेफ गार्ड जो लगा हुआ है उसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग की गई है, इन केस खुदा ना कर सके अगर हिट होता है तो ये आपका बॉडी को मैक्सिमम प्रोटेक्शन देगा, बॉडी आपकी डैमेज नहीं होगी। ऊपर भी यहाँ पे भी ग्रिल इसके मौजूद लगी हुई है। अभी बढ़ते हैं इसके शॉक सस्पेंशन की जानिब। तो फ्रंट के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल शॉक्स लगे हुए हैं, ड्यूल शॉक्स होते हैं फ्रंट के ऊपर। और दूसरा, इसकी जो सस्पेंशन है काफ़ी अच्छी, ज़बरदस्त फ्रेम बना हुआ, सस्पेंशन भी इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है। रिम साइज़ की बात करें तो फ्रंट एंड बैक के हमें सेम साइज़ का रिम मिल जाता है 7 इंच का। और टायर साइज़ की बात करें तो ये इसका टायर साइज़ है 16/8-7। तो ये जो है 16 होती है इसकी विड्थ होती है, और जो है इसका 8 जो साइज़ है वो इसकी प्रोफाइल होती है। तो ये आप कोई भी अगर लेट्स सपोज पार्ट्स के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, या आप ये साइज़ है ये भी हमें भेज सकते हैं। आपको कोई भी पार्ट्स आइटम चीज़ चाहिए या टायर चाहिए तो डिलीवरी सर्विस आलो पाकिस्तान जो होती है आपको भी कॉन्टैक्ट करके चीज़ आइटम बता देते हैं, क्योंकि ये मोस्टली टायर आइटम्स ये रनिंग आइटम्स हैं तो काफ़ी डिमांडेबल होती है, तो ये हमारे पास इस टाइम स्टॉक में मौजूद है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर तकरीबन 3 लीटर तक मैक्सिमम स्टोरेज होती है। इसके फ्यूल टैंक में प्लास्टिक का इसका फ्यूल टैंक होता है, और जो इसकी बॉडी है ये भी प्लास्टिक में है, ABS में इसकी बॉडी बनी हुई थी है। बाकी ये 11 ईयर एंड अबव जो है इसको इजीली चला सकते हैं, और जैसा कि मैं भी इसके ऊपर बैठा हूँ काफ़ी ज़बरदस्त कंफर्टेबल है, और इसको ये मेरा लोड भी जो है वो तकरीबन उठा सकता है, मैक्सिमम 120 kg तक इसके ऊपर आप लोड डाल सकते हैं। बच्चे जिस तरह के नॉर्मली 2 इसके ऊपर बैठ सकते हैं, बाकी अगर बड़ा बंदा बैठना चाहें तो अडल्ट इसके ऊपर ईजिली एक बंदा बैठ सकता है। और गियर ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें हमें 3 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर ट्रांसमिशन मिल जाती है, टोटल 4 गियर इसके अंदर हैं। और बाकी इसके अंदर किसी किस्म की ना किक है ना किसी किस्म क्लच है। दोनों जो ब्रेक्स हैं वो कंट्रोलिंग हाथ में होती है, राइट साइड जो फ्रंट आपको ब्रेक मिल जाती है ये इसकी ड्रम ब्रेक्स हैं, और रियर के ऊपर हमें डिस्क ब्रेक की ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ पे जो राइट साइड इसकी असम्बली, यहाँ पे हमें जस्ट जो है थंब एक्सीलेटर मिल जाता है, और इसके अंदर स्पीड कंट्रोल एडजस्टमेंट भी मौजूद है। अगर आप बिगनर हैं, बच्चा उसको आप चाहते हैं स्पीड कम में चलाएं तो इसके अंदर एडजस्टमेंट मौजूद होती है, अब ईजिली इसको एडजस्ट भी करवा सकते हैं। और दूसरा, पार्किंग के ऑप्शन फ्रंट ब्रेक के ऊपर भी और रियर के ऊपर भी इसकी जो है पार्किंग की ऑप्शन मिल जाती है। इसका टोटल मोस्टली जो स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स जितना भी है कंट्रोलिंग लेफ्ट साइड ग्रिप्स के अंदर होता है। यहाँ पे जो है इसकी लाइट ऑन ऑफ की ऑप्शन हमें मिल जाती है, लाइट हाई लो की, और नीचे इंडिकेटर टर्न सिग्नल की ऑप्शन मिल जाती है, और सबसे लास्ट में हमें सेल्फ स्टार्टर की ऑप्शन मिल जाती है। जैसे आप इसका सेल्फ स्टार्टर का बटन दबाएंगे तो ईजिली स्टार्ट हो जाता है। ये इसकी साउंड है, और काफ़ी अच्छी बेस वाली साउंड है इसकी। इंजन जो इसका आपको दिखाया जाए क्लोजअप में, तो ये इसका इंजन जो है वो 4 स्ट्रोक है, और फ्यूल एवरेज के वाले से काफ़ी ज़बरदस्त है, और Euro 2 बेस करता है। फ्यूल कंजम्पशन की बात कर लें तो 1 लीटर के अंदर तकरीबन 50-55 किलोमीटर देने की सलाहियत रखता है। जैसा आप गियर ट्रांसमिशन आपको मैंने बताई थी 3 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर ट्रांसमिशन के साथ है, जैसे जैसे आप गियर लगाएंगे इसको रेज देते रहेंगे तो इसकी जो स्पीड है वो भी ईजिली बढ़ती रहती है।
रियर के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल एडजस्टेबल शॉक्स लगा है और इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे मौजूद है। इसको हार्ड एंड सॉफ्ट करना चाहें तो वो इजीली कर सकते हैं, इसकी एडजस्टमेंट आप इजीली कर सकते हैं। और दूसरा जिसका रियर स्विंग आर्म है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त पावरफुल बना हुआ, अच्छे जो है इसकी सस्पेंशन लगी हुई है। रियर के ऊपर जैसा बताया था डिस्क ब्रेक लगी हुई है, तो सिंगल एक स्मार्ट डिस्क है सिंगल पिस्टन कैलिबर के साथ, तो अच्छी ब्रेकिंग मिल जाती है। इसकी फ्रंट भी और रियर के ऊपर भी स्पेशल डिस्क ब्रेक सिस्टम हमें मिल जाता है। सस्पेंशन की जो वर्किंग है वो आप देख सकते हैं, शॉक सस्पेंशन काफ़ी अच्छे इसके वर्कआउट करते हैं, रियर के भी फ्रंट के ऊपर भी। ये ऑन रोड भी आप इसको चला सकते हैं और ऑफ रोडिंग के ऊपर भी ये इजीली चल जाता है। इन केस बाज़ दफ़ा जो एटीवी ज़्यादा चल जाता है इसकी एडजस्टमेंट भी अलाइनमेंट आउट हो जाती है, तो यहाँ पर जो एडजस्टर की मदद से ईज़िली इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज हो, नहीं तो ये है कि वर्कशॉप में तो ईज़िली हमारे पास फैसिलिटी होती है, इसको आप ईज़िली एडजस्ट भी कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू जिसके अंदर आपको क्वाड बाइक 125 cc के बारे में कम्प्लीट डिटेल दी, के जो फीचर्स है उसमें डिस्कस किए। और दूसरा ये है कि अभी ये हमारे पास स्टॉक में मौजूद है और आप लोग जो रावलपिंडी इस्लामाबाद सराउंडिंग से बिलोंग करते हैं वो हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मज़ीद भी इंशाल्लाह नया स्टॉक आने वाला है, उसके वाले से अपडेट आपको ज़रूर देंगे, क्या क्या वैरायटी आएगी वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा दूसरा जो आपको मैंने बताया था कि प्रोडक्ट की जो है आपको आफ्टर सेल सर्विस पार्ट्स और स्पेशली मैकेनिकल वर्क के वाले से आपको किसी किस्म परेशानी नहीं है, तो जो भी लोग भी हमें अप्रोच करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं हमें दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी ये है कि हमारी लोकेशन वो भी जो है उस पर मौजूद है आपके गूगल मैप के ऊपर, वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं लोकेशन और हमारे एड्रेस पर ईज़िली पहुँच सकते हैं। जैसा कि बोला था वीडियो के एंड में इसकी प्राइस डिस्कस करेंगे, तो इस मॉडल की जो इस टाइम प्राइस है 175 है 1,75,000 रुपये, और बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग क्वालिटी में जो जितने भी देखने वाले व्यूअर्स हैं स्पेशली सराउंडिंग रावलपिंडी इस्लामाबाद सराउंडिंग से वो विजिट करके भी इसको फिज़िकल भी देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसके साथ जैसे कि हमेशा से न्यू पार्क ट्रेडिंग की जानिब से ऑफर्स होती है, इसके साथ भी जो है ज़बरदस्त जो है सेफ्टी गियर्स फ्री है एज ए कम्प्लीमेंट्री गिफ्ट, वो आप वीडियो कोड करके इसके साथ ज़रूर हासिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दूसरा ये हमारा फेसबुक पेज न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी ऑफिशियल और एमबी ट्रेडिंग कंपनी को भी जरूर लाइक करें ताकि प्रोडक्ट की जितनी भी लेटेस्ट फोटो है आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहे। और इसके साथ ही जो हमारा अदर सोशल मीडिया लिंक्स है वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी लाइक एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही फैजल मुगल को इजाजत दें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।